ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी जस्ट 4 घंटे पहले पेन मूवीज इस यूट्यूब चैनल पर जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म अटैक के ऑफिशियल टीजर को रिलीज किया गया। टीजर कुल मिलाकर 1 मिनट और 24 सेकंड का है। 4 घंटों में इस टीजर को अभी तक 26 लाख के करीब व्यूज मिले हैं और 1,50,000 लोगों ने अभी तक इसे लाइक किया है। अटैक 28 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज होने वाली है, यानी पृथ्वीराज फिल्म के 1 हफ्ते के बाद में। पृथ्वीराज फिल्म 21 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इन दोनों ही फिल्मों के बीच में एक और बड़ी फिल्म द कश्मीर फाइल्स थिएटर में रिलीज होगी, यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष तीन बड़ी बड़ी फिल्म, इस वर्ष मतलब अगले वर्ष तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है और तीनों ही फिल्में देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। अटैक का टीजर तो मैंने अभी अभी देखा, पर मुझे ये टीजर सच में बहुत बहुत पसंद आया। पृथ्वीराज, द कश्मीर फाइल्स, सभी फिल्में मैं इन्हें थिएटर में देखना चाहूँगा। विशेषतः द कश्मीर फाइल्स, मैं हृदय से चाहता हूँ कि सभी दर्शक द कश्मीर फाइल्स को थिएटर में अवश्य देखें। हालांकि द कश्मीर फाइल्स का अभी तक कोई टीजर ट्रेलर तो मैंने नहीं देखा है, पर अमेरिका में पिछले करीब 15 दिनों से एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर द कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है और वहाँ के जिन दर्शकों ने द कश्मीर फाइल्स को थिएटर में देखा, स्पेशल स्क्रीनिंग देखी, वे किस प्रकार से रो पड़े, फूट फूट कर रो पड़े, कैसे अपने अश्रु वे रोक नहीं पाए कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार देखकर, वो पूरा इतिहास देखकर, उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं सच में चाहता हूँ कि द कश्मीर फाइल्स को सभी थिएटर में देखे। अटैक का टीजर भी मुझे पसंद आया, पृथ्वीराज फिल्म देखने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। पता नहीं तीन इतनी बड़ी फिल्में, अच्छी फिल्में एक साथ में थिएटर में क्यों रिलीज हो रही है, पर शायद अभी हम इसे बदल नहीं सकते। ये तीनों ही फिल्में जो तारीख तय की गई है उसी तारीख पर थिएटर में रिलीज होंगी। पृथ्वीराज और अटैक तो फिक्स है 21 और 28 तारीख। द कश्मीर फाइल्स के भी जो प्रमोशनल वीडियोज विवेक अग्निहोत्री जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने हर वीडियो में ये मेंशन किया है कि द कश्मीर फाइल्स रिपब्लिक डे 2022 पर ही थिएटर में रिलीज होगी। तो तीन इतनी अच्छी बड़ी फिल्में 1 हफ्ते के अंतराल में ही थिएटर में रिलीज हो रही है, इससे स्वाभाविक सी बात है कि उन तीनों की ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इससे असर होगा। ऑडियंस, दर्शक बढ़ जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, पर अभी हम इसे बदल नहीं सकते। चलिए अटैक के बारे में बात करते हैं। अटैक के प्रोड्यूसर है जयंती लालगाड़ा, जॉन अब्राहम और अजय कपूर। जॉन अब्राहम ने साथ में ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। मुख्य भूमिका में तो वह है ही, पर को प्रोड्यूसर भी है और कहानी भी उन्होंने ही इसकी लिखी है। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर है लक्ष्यराज आनंद, और जॉन अब्राहम के साथ में फिल्म में मुख्य भूमिका में है रकुलप्रीत सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, प्रकाश राज, रत्ना पाठक शाह आदि आदि। अब अटैक के टीजर के डिस्क्रिप्शन में इस फिल्म के बारे में जो जानकारी दी गई है वो मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूँ। इससे हमें फिल्म के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चलती है। डिस्क्रिप्शन में बताया है कि भविष्य में जो युद्ध है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर लड़े जाएंगे और इसलिए भारत अपना खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सुपर सोल्जर क्रिएट करता है, ताकि देश भर में ये जो कई जगहों पर आतंकवादी हमले होते जा रहे हैं उनसे हम लड़ सके। और इसके लिए वो एक ऐसे सोल्जर को चुनते हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, जो भी उसके निकटवर्ती थे उन सबको उसने खो दिया है। तो देश की सेवा करने के लिए और एक ऊंचे लक्ष्य के लिए वे इस सोल्जर को चुनते हैं। एट लास्ट द एक्शन फिल्म इंडिया डिजर्व सींग जॉन अब्राहम एज अ लीन मीन किलिंग मशीन अलॉन्ग विद जैकलिन फर्नांडिस, रकुलप्रीत सिंह, प्रकाश राज, रत्ना पाठक शाह, एज दे कंबाइन देयर फोर्सेस टू ब्रिंग द ऑडियंस अ स्पेशल एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन एंटरटेनर टू बी वॉच्ड ओनली इन सिनेमाज। ये सारे कलाकार मिलकर दर्शकों को फिर से थिएटर में खींच कर लाएंगे और उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे जिसे देखकर हमारी सांसें तेज हो जाएंगी, पूरे शरीर में जो खून है वो तेजी से दौड़ने लग जाएगा, वगैरह वगैरह। एक ऐसा एक्सपीरियंस ये फिल्म देने वाली है, इस प्रकार से फिल्म के बारे में कहा गया है। और हाँ, टीजर से लग तो रहा है कि एक सिंसियरली बनाई गई एक्शन फिल्म हम इसको कह सकते हैं। पिछली बार सत्यमेव जयते 2 में जो कुछ भी हमने देखा था, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वो फिल्म थी और जॉन अब्राहम को ऐसी फिल्म देखकर थोड़ी सी निराशा भी हुई थी। पर अटैक का टीजर देखने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार जितनी निराशा हुई थी उतना ही ज़्यादा ये फिल्म सभी को पसंद आने वाली है, अटैक। हालांकि कहानी में ज़्यादा कुछ नयापन तो हमें नहीं लग रहा है। मतलब देखिए, एक पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद में एक सोल्जर अपना सब कुछ खो देता है और उसके बाद में शायद गवर्नमेंट रकुलप्रीत सिंह को उस सोल्जर को सौंप देती है। वहाँ पर उसमें कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स आदि करके उसे सुपर सोल्जर बनाया जाता है, एक साइबॉक की तरह बनाया जाता है, और उसके बाद वो किस प्रकार से आतंकवादियों से लड़ता है। ये कुल मिलाकर मतलब फिल्म की कहानी ऊपर ऊपर से तो लग रही है, तो कुछ बहुत एक्सेप्शनल या बिल्कुल नयापन तो नहीं है, पर एक नई शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। एक सुपर सोल्जर या साइबॉग, इस प्रकार का कंसेप्ट हमने भारतीय सिनेमा में पहली बार देखा है, जो कि ऑलरेडी हमने बहुत लेट कर दिया है। अगर हम बाहर का कंटेंट देखें तो ऐसे इस कंसेप्ट पर इससे कई दशक पहले इस कंसेप्ट पर फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है। तो पर चलिए, देर ही सही, पर अभी एक नई शुरुआत हम इस फिल्म को कह सकते हैं।
जो कि एक अच्छी बात है कि बस बिना मतलब की लव स्टोरी वगैरह वगैरह वो देखकर, वैसे भी वो अभी नहीं देखा जाता, वही वही सब बातें बार बार। तो ऐसा कुछ नया अभी बॉलीवुड को करने की आवश्यकता है और आशा करते हैं कि बस ये एक एंटरटेनिंग ऐसी एक्शन फिल्म हो, ज़बरदस्ती कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इसमें ना डाला गया हो या हमारे कुछ पॉलिटिकली अपने आप को करेक्ट रखने की कोशिश इसमें ना की गई हो, बस यही हम आशा कर सकते हैं। बाकी टीज़र दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बस जैकलिन फर्नांडिस का जो एक कुछ सेकंड 2-3 सेकंड के लिए जो एक सीन था, वो एक सीन मुझे पसंद नहीं आया। वहाँ पर उनके जो एक्सप्रेशन आदि थे वो बिल्कुल फेक लग रहे थे। बाकी तो ओवरऑल जो टीज़र था वो मुझे पसंद आया। बाकी दोस्तों आपको अटैक का टीज़र कैसे लगा ये एक बात, और उसके साथ में ही पृथ्वीराज द कश्मीर फाइल्स और अटैक, इन तीनों में से आप कौन सी फिल्म थिएटर में देखेंगे ये आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।